थ्योरी सारी बातें। तो ये कहानी है जी। अब कुछ आदतें बेटा आप लोगों को जो है डालनी पड़ेंगी, वो आदतें ये हैं भाई। देखिए आपको मसला किसी किस्म का नहीं आएगा, 15 तारीख को हम खुल जाते हैं या 15 तारीख को हम नहीं खोलते, इट्स नॉट ऑफ आर कंसर्न, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन आपकी पढ़ाई में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिजिकली काम हो जाएगा जैसे पहले होता था। नहीं खुले तो मैंने पूरा सेटअप जो है अपने लिहाज से कर लिया, इसमें ना तो मुझे मसला आएगा टेस्ट लेने में, पढ़ाने में, ना इंशाल्लाह आपको मसला आएगा। बस एक परेशानी, परेशानी में यूं नहीं कह सकता, बस आपको इतना सा काम करना पड़ेगा। जैसे पहले होता था ना कि आप टीचर आपके सामने खड़ा, आपको फौरन आपको कुछ तकलीफ हुई, आपको मसला आया, आपने फौरन हाथ उठाया पूछ लिया या बगैर हाथ उठाया पूछ लिया। अब यही काम आप लोग चैट पे करेंगे। मैंने जो आपका चैट बॉक्स है वो बिल्कुल अपने सामने खोला हुआ और चैट को प्राइवेट किया हुआ, कभी मैं एवरीवन कर दूंगा कभी प्राइवेट कर दूंगा, तो आप जो भी लिखेंगे मुझे फौरन यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेटा जो भी आपको मसला है, आपकी आवाज कनेक्ट ना हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी किसी किस्म का भी कोई मसला है, कि देखो पुराने जैसे पुराने मैट्रिक वाले बच्चे उनकी नहीं परेशानी नहीं है, जो नए वाले बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, से एक दो बच्चे के नाम मुझे नए लग रहे हैं, तो उनकी नहीं है या पुराने वाले बच्चों की नहीं भी, उनको कुछ भी मसला होगा वो डायरेक्टली चैट पे जाएंगे, फटाफट टक टक टाइप करेंगे, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, मैं आपकी चीज जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी रही नोट्स की बात, तो बेटा ये जो ये देखो पूरी एक नोटबुक बनी हुई है, ये पूरा एक इंटरफेस है मेरे पास, ये पूरी एक नोटबुक बनी हुई है, तो इसमें जो भी कुछ लिखा जाएगा, जो भी कुछ पढ़ा जाएगा, जो भी कुछ समझा जाएगा, वो सब चीजें मैं आपको एट द एंड ऑफ द क्लास या एट द एंड ऑफ द वीक आपके जो है मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। तो खुदा ना खास्ता किसी का कुछ मिस हो जाए, कुछ रह जाए, क्लास खत्म हो जाए, तो उसको जो है क्लास खत्म हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो जो है यहाँ पर आकर जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेगा और यहाँ पर आकर जो है वो मुझसे पूछ भी सकता है, वो उसके पास जब ग्रुप पे पूरी पिक्चर आ जाएगी ना तो वो आराम से उसको देख भी सकेगा, ठीक है जी। तो ये वाले सारे काम जो है अभी हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट ईयर बहुत सुकून से अल्लाह ने चाह तो गुजर जाएगी। अब आते हैं कोर्स कॉन्टेंट की तरफ कि भाई अब कहानी किस तरह चलेगी। तो बेटा एज फार एज आर फर्स्ट ईयर फिजिक्स इज कंसर्न, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हवाले से बात करें जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको जरा पेपर पैटर्न समझाऊं। पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न के हवाले से कोई इतनी खास रद्दो बदल नहीं है, कोई इतनी खास परेशानी नहीं है, पेपर पैटर्न रिमेन्स द सेम। 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, उसके बाद है सेक्शन बी, उसके बाद है सेक्शन सी। ये 3 सेक्शन पे बेस्ड पेपर। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज होंगे भाई? कुल मिलाकर 17 एमसीक्यूज होंगे और एक एमसीक्यू का 1 मार्क है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? बराबर में इस तरीके से बिल्कुल क्लियर आपको जो है यहाँ पर चीजें जो है वो डिस्प्ले हो रही होंगी। आ रही है बात समझ में? तो ये जो पूरी कहानी है ना बेटा, ये है हमारे सेक्शन ए के हवाले से, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जी मिलकर बना है शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर से। अब मैट्रिक वाली कहानी नहीं है, थोड़ा सा काम आसान हो गया है। यहाँ पर कुल मिला के 14 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कुल मिला के 14 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 10 क्वेश्चन। There are 14 questions overall and you have to attempt any of the 10 questions from this topic. एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? एक क्वेश्चन के हैं 4 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं टोटल कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स हो गए। यानी कि पूरे पेपर में से सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो टॉपिक है या जो सेक्शन है वो सेक्शन बी, ठीक है। अभी सब बताता हूँ, मासूमा सुनो, अभी सब चीजें आ जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अब इस तरह से आप चैट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सर ये फिजिक्स, हाँ नसीब फिजिक्स की क्लास चल रही, कंप्यूटर साइंस की क्लास जो है वो उसके बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है काम किस तरह से होगा, इसमें आपको क्या मिल सकता है? देखिए मैट्रिक से जब बच्चा आता है ना तो बच्चा ही होता है भाई हमारे लिए, तो कंप्यूटर साइंस की इसके बाद क्लास स्टार्ट होगी ना, मस्त हो, परेशान नहीं होगा, इसके बाद ही दूसरा लिंक हो जाएगा, अभी एंड में सब कुछ बताऊंगा, अभी सुनते रहे, सब समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा जी, क्या बता रहा था? हाँ, जैसे मैट्रिक में होता था ना डेफिनेशन आती थी, ये सब होता था, ये सब कहानियां यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है,
यहाँ पे सेक्शन बी में आपको सिर्फ दो चीजों का सामना करना पड़ेगा जो कि हैं शॉर्ट डेरिवेशंस, और इससे भी ज्यादा आपको यहाँ पर जो चीज मिलेगी जिसके बगैर इस सेक्शन को सॉल्व करना नामुमकिन है वो है आपके न्यूमेरिकल. सो न्यूमेरिकल इज द हार्ट ऑफ दिस सेक्शन. न्यूमेरिकल्स किए बगैर आप लोग इस सेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते. जैसे मैट्रिक में इन्होंने अलग अलग कर दिया था ना, वो असल में इसी वजह से अलग किया था ताकि जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आए तो उसको ये आदत पता लग जाए, उसको ये आदत पड़ जाए कि भाई किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है. क्योंकि यहाँ पे 10 सवाल है. अक्सर ऐसा होता है, जिस साल मैंने फिजिक्स का पेपर दिया था उस साल 10 न्यूमेरिकल्स आ गए थे. मैंने एक न्यूमेरिकल मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने उसकी जगह कुछ और किया था, क्योंकि वाला सवाल किया था, 9 न्यूमेरिकल कर लिए थे. लेकिन इसका मतलब पता ही चला कि भाई मैक्सिमम 9 से 10 न्यूमेरिकल आते हैं. और एक जो सवाल होता है वो डायमेंशंस का आता है, वो थियोरेटिकल टॉपिक है लेकिन उसमें भी पूरे मार्क्स मिलते हैं. तो जैसे मैं मैट्रिक में आपको कहता था या आपके टीचर्स आपको कहते हो कोई नया बच्चा का हमारे साथ है, या जो पुराने वाले बच्चे उनको तो पता ही है, मैट्रिक में उनसे कहता था कि भाई हमेशा आपको आदत डालनी है कि आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं. अब किसी किस्म की थ्योरी अटेम्प्ट करने की कोई जवाब नहीं बनता, तो इन न्यूमेरिकल्स के हवाले से हम काम कुछ इस तरीके से करेंगे. बेटा न्यूमेरिकल्स की हमारे पास पूरी पूरी वर्कशीट्स बनी हुई है, बुक के सारे न्यूमेरिकल मैं खुद अपने हाथ से कराता हूँ. ठीक है, ठीक है. तो ये वाला काम जो है वो यहाँ पर एज इट इज होगा. तो उसकी वर्कशीट बनी हुई है, वो मैं आपको दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी, वो आप सॉल्व करेंगे, उसके टेस्ट होंगे. वो पूरी कहानी जब होगी तो आपको समझाऊंगा, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो मैट्रिक में थी भाई, वही फर्स्ट ईयर फिजिक्स में. मैट्रिक में हमेशा जो पुराने बच्चे थे या जो बच्चे उनसे पढ़ते थे उनसे मैं कहता था भाई देखो मैट्रिक फिजिक्स इज द बेस, इज द बेंचमार्क ऑफ द स्टडी ना. अगर आपको मैट्रिक फिजिक्स आती है तो आपको उसी की चीजों को थोड़ा सा खोल खोल के और डिटेल में पढ़ा दो तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स बन जाती है. जो बच्चे इंशाल्लाह इंजीनियरिंग लेंगे उन्हीं चीजों को एप्टीट्यूड में और बेहतर तौर पर पढ़ाया जाएगा, उसी चीज को यूनिवर्सिटी में और बेहतर तौर पर पढ़ाया जाएगा. तो देखो बेंचमार्क रिमेन्स द सेम. तो यही काम आपको करना है. अब यहाँ पर भी जो MCQs और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बाहर से नहीं आते, वो आते हैं टॉपिक में से ही है. वो सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट उर्दू में इंग्लिश में सब मिला के लिखवा दूंगा, ताकि पूरा एक नोट जो है तुम्हारे पास तैयार हो जाएगा. जब खुलेगा कोचिंग इंशाल्लाह तब तो भाई फिजिकल क्लास होगी, तुम लोग नोट्स वैसे ही बनाओगे, लेकिन अब तक इस तरीके से पूरी एक नोटबुक बन जाएगी और ये आपके ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी. तो ये काम इस तरीके से एज इट इज आपको करना पड़ेगा. ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, इसमें समझ में आ रहा है. आखिरी जो सेक्शन है मुस्तफा, इसमें बस मैं यही बता रहा था कि शॉर्ट डेरिवेशन आती है, न्यूमेरिकल आते हैं, बस बेटा यही बात हो रही थी अभी. आखिरी जो सेक्शन है जो कि सेक्शन सी है, वो वही पुराना वाला सेक्शन है बेटा. इसमें 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. एक होगा क्वेश्चन 3, दूसरा होगा क्वेश्चन 4, तीसरा होगा क्वेश्चन 5. हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं, और इन 3 सवालों में से कोई भी 2 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं. एक सवाल का 6 मार्क है, तो 2 पार्ट मिला के 12 मार्क्स का एक सवाल बनता है, तो 24 मार्क्स का ये सेक्शन है. 17, 40, 24 पूरे 85 मार्क्स का, यानी 85 मार्क्स की थ्योरी, 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल, मिलके बन गई 100 मार्क्स की फर्स्ट ईयर फिजिक्स. तो बेटा ये पूरी कहानी है जो हमें इंशाल्लाह पूरे साल सुननी है, हमें इस पर पूरा अमल करना है और ये पूरा काम एज इट इज हमारे पास हो जाएगा. ठीक है, अब ये चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिखो, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है. ठीक है, हाँ भाई यहाँ तक तो कोई मसला तो नहीं आ रहा किसी को? क्लियर है सारी बातें, आवाज साफ आ रही है सबको? जरा सब एक बार मुझे चैट पे लिख के बताओ, सब एक बार चैट पे रिप्लाई करो जरा मुझे, ताकि मैं तुम लोगों की फ्रीक्वेंसी देखूं. क्लियर है? आप इधर सब रिप्लाई कर रहे हैं, ओएस मुस्तफा मासूमा नबिया माहम, सब साफ है, क्लियर है? साफ तो हो गई, मैं कह रहा हूँ क्लियर है ना, आवाज मसला तो नहीं है, सब समझ में आ गया? सब एक बार रिप्लाई करो. ठीक है भाई, आजकल हमारे नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, क्रिस्टल क्लियर. आजकल मैट्रिक वाले बच्चों को वो सिखा रहा हूँ, अभी हल्के हल्के तुम्हें भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह. चले भाई, ये तो कहानी हो गई. अब इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी हो चुका, थम्स अप, कॉपी हो चुका मेरे ख्याल से. यहाँ पे जितने बच्चे हमारे पास मौजूद, अच्छा कॉपी नहीं हुआ, चलो कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, कॉपी करो ज़्यादा, मैं थोड़ा सा लेक्चर आप लोगों को और देता हूँ. अच्छा भाई, अब देखो कब तक खुलता है कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं खुल रहा यार,
अपनी तरफ से आपको बिल्कुल दयानतदारी के साथ, बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी के साथ अपना काम जो है करना है। और मैं आज मैं बच्चों से वही जब शुरू स्टार्ट होती है तो मैं सबसे ऑनलाइन चल रहा है बच्चों से कह रहा हूँ, भाई आप जब तक ऑनलाइन की कहानी चल रही है ना, आपका टीचर आपके सामने नहीं, तो आपको एक पुलिस वाला अपने अंदर खुद बिठाना पड़ेगा। वो पुलिस वाला बिठाने की जरूरत क्यों है? पुलिस वाला बिठाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पहले तो हम ये कहते ना, डांट डपट के, थोड़ा सा हंसी मजाक करके, तंजो मजा करके बच्चे को बिठा दिया, समझा दिया कि भाई ये चीज है, हो जाएगी। अब वो काम आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि हम तो सामने, आपकी वीडियोज भी अभी मैंने ऑन नहीं करवाई, कभी करवाऊंगा, कुछ चीजें मुझे देखनी होंगी, तो ये वाले काम जो है इस तरीके से करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो पुलिस वाला है ना, आपको अपने अंदर बिठाना पड़ेगा। पुलिस वाला बिठाने का मतलब है डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा आपको अपने लिए खुद। ये देखो 15 तक खुले, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे फिर दोबारा बंद हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह के सिनेरियोस चल रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो पढ़ाई तो करनी है भाई, हमने बहुत लेट से, हमने थोड़ा सा एक्सटेंड से किया कि भाई हम एट दी एज पे आ जाएं ताकि बस थोड़े से टाइम के बाद हम जो है ओपन कर सकें, क्लासेस को भी थोड़ा सा ऑनलाइन करना पड़े। पुलिस वाला और डिसिप्लिन, तो मेरा वाला पुलिस वाला है ना, ये देखो इसकी मस्तियाँ शुरू कर दी, मेरा वाला पुलिस वाला है, इसी में उसे डिसिप्लिन का नाम दिया। तो ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। ठीक है जी, खैर तो ये जैसे जैसे चलता जाएगा सब आपको बताते जाएंगे। अच्छा कॉपी हो गया होगा तो मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ, ये एज इट इज आपके पास आपके ग्रुप में अभी मैं भेज दूंगा, क्लास के बाद, दोनों क्लासेस के बाद मैं एज इट इज ग्रुप में भेज दूंगा। अब आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये इंपॉर्टेंट चीज है जी आपकी कोर्स आउटलाइन। क्या है भाई? कोर्स आउटलाइन। अब बेटा ये कोर्स आउटलाइन जरा सब लिख लो, अच्छी तरीके से लिख लो, पहले भी तुम लोगों ने लिखा होगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसका इतना मसला नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, ये आपको आते चलते पास पर देखते हुए याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दिस इज द कोर्स आउटलाइन विच विल बी फॉलोड थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इसके हिसाब से आपको पता है कि भाई कौन से में कितना ज्यादा पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये सब मवाद आपको इस चीज से मिलेगा जिसका नाम है कोर्स आउटलाइन। अब मासूम सी फिजिक्स है, फर्स्ट चाहिए बिल्कुल सिंपल, कुल मिला के कितने चैप्टर्स? तो कुल मिला के हमारे पास 10 चैप्टर्स, मैट्रिक में कितने थे? 19, यहाँ पे कितने? 10, 10 उन 19 चैप्टर के बराबर है, यानी कि जो लेंथ है ना वो लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम, लेंथ में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं, यानी कि उनको पढ़ने में भी एक साल लगा था, इनको पढ़ने में भी एक साल लगेगा, वहां पर भी न्यूमेरिकल्स थे, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन चैप्टर का नंबर कम हो गया, तो आप इस बारे में थोड़ा सा पॉइंट डेवलप कर सकते हैं कि चैप्टर के नंबर कम हो गए। अब देखो मैं तुम लोगों को किस तरह से बताता हूँ, हर चैप्टर में से कोई एमसीक्यू आता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो मैं तुम लोगों को ना एक हिंट सिखा रहा हूँ। वो हिंट क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स हैं, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर हैं सेक्शन सी के। तो सेक्शन ए में अगर कोई सवाल आएगा तो मैं उसके सामने बना दूंगा 1 स्टार, सेक्शन बी में आया तो 2 स्टार, सेक्शन सी में आया तो 3 स्टार्स। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस किस जगह पर आपको मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन किस किस जगह पे आएगा। ठीक है चले जी, सबसे पहला चैप्टर जो हमेशा हर फिजिक्स में होता है, लेकिन इस वाली फिजिक्स में, इस चैप्टर में वाकई में कुछ अच्छी चीजें मौजूद हैं और बहुत जरूरी चीजें मौजूद हैं और जो सब आती हैं, और इसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 1 प्यार से, इसका नाम है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब आप बोलेंगे अरे यार सर ये फिर से वही डेफिनेशन सुनाएंगे आप, ब्रांचेस बताएंगे, मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशन बताएंगे? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ आपको रिवाइज करवाएंगे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको सारे सिंबल्स याद कराएंगे, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और डायमेंशन, यानी कि अब ये चैप्टर एक अहमियत रखने वाला चैप्टर है। अब ये मैट्रिक फिजिक्स की तरह सिर्फ 3 सवालों पर मुश्तमिल चैप्टर नहीं है, अब इसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग में आने की भाई इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो बेटा अगर इसमें इस चैप्टर के हवाले से बात करें तो इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है भाई, 1 स्टार का मतलब एमसीक्यूज, 2 स्टार का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये इस चैप्टर की इतनी अहमियत है, लेकिन ये लॉन्ग के हवाले से नहीं आता, इसका मतलब ये चैप्टर है तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो ना तो एमसीक्यूज में चॉइस है और शॉर्ट में भी कोई खास चॉइस नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन इस चैप्टर को कभी भी हम जो है निगलेक्ट नहीं करेंगे, और हम स्टार्ट भी इंशाल्लाह यहीं से करेंगे। कुछ चीजें हैं सकून समझ समझाऊंगा पढ़ाऊंगा,
टाइम पे कोर्स खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोर्स का मसला मेरा है आपका नहीं है, बस जो बताता जाऊं करते जाएगा। अब इसके बाद एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब ये जो है ना भाई, ये बादशाह चैप्टर है, बादशाह चैप्टर। क्यों? इस वाले चैप्टर में आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा स्केलर और वेक्टर। अब जब ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सर मुश्किल चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को, लगता है हम किसी से ही पढ़ने लगता है। लेकिन मुश्किल समझ कर इसको छोड़ना नहीं है, कुछ दिनों तक मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर समझते जाओगे कॉन्सेप्चुअली तो बात समझ में आ जाएगी। चैप्टर 5, हाँ मैट्रिक का चैप्टर 5 था, वो एक बेंचमार्क था, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन था, वो पार्ट 1 था, सीजन 1, ये सीजन 2 है। अब सीजन 2 कैसा होगा, क्यों होगा, जब पढ़ाएंगे तो बात करेंगे उसमें। लेकिन ये चैप्टर भाई इंपॉर्टेंस रखता है, इस चैप्टर में आपको MCQs भी मिलेंगे, इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, और इस चैप्टर में से आपको कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही मिलेंगे। सो दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज आर कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, एज फार एज आर पेपर इज कंसर्न, एज फार एज आर नॉलेज इज कंसर्न। ये चैप्टर नहीं आता तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स नहीं आती, ये चैप्टर नहीं आता तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स नहीं आती, ठीक बात है। मैट्रिक की नॉलेज को इससे मिला लो, एक नई नॉलेज बन के फर्स्ट ईयर की फिजिक्स आपको पूरी करा देगी। सर MCQ तो सारे चैप्टर में से आ सकते हैं, एग्जैक्टली MCQ सारे चैप्टर से आ सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है किसी एक चैप्टर से 2 MCQs देते हैं, वो कैसे देते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है भैया, ये मुश्किल वक्त है, इसके लिए मैं आपको तैयार करूंगा, आपका हाजमा मजबूत करूंगा, आपको हजम हो जाएगा चैप्टर इंशाल्लाह। लेकिन ये चैप्टर इतना आसान है बच्चों, इसमें से जो न्यूमेरिकल बुक वाले हैं वही न्यूमेरिकल 5 पेपर में आते हैं, वही आपके पेपर में भी आए हैं, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ परेशानी ये आती है 5 को 2 कर देंगे, 2 को 7 कर देंगे, मजी वाला खेलना पड़ेगा। फिर कहानी आती है भैया चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 जो है जी, इसको हम लोग कहते हैं मोशन एंड फोर्स। कुछ जगहों पर जैसे हमारे पास है, हम तो सिंध बोर्ड पढ़ते हैं, एक है फेडरल बोर्ड, एक है ए लेवल्स, एक है ओ लेवल्स, वहां पर इस चैप्टर को कहते हैं मोशन एंड वन डायमेंशन। अब ये क्या है क्यों है वो छोड़ दो, बस मोशन एंड फोर्स हमारा नाम। अब मैट्रिक से याद दिलाओ, मैट्रिक में तुम्हें 2 चैप्टर पढ़ाए थे, नंबर 1 वॉज द काइनेमेटिक्स और नंबर 2 वॉज द मोशन एंड फोर्स, ये उनका मिलाप है, उन दोनों को मिला दो तो ये एक चैप्टर बनता है। इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें स्पीड पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, फ्रिक्शन, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन नया टॉपिक है, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन वो सेम अपनी नॉलेज को ज्यादा रखते हैं। पहले ग्राफ नहीं था, थोड़े से ग्राफ्स आ जाएंगे, पहले न्यूमेरिकल कम था, न्यूमेरिकल ज्यादा हो जाएंगे। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपकी बेसिक अच्छी करेगा। इसमें से भी MCQs मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट डेरिवेशंस मिलेंगी और लॉन्ग मिलेगा लाजमी तौर पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपनी अहमियत को बहुत ज्यादा रखता है, ठीक बात है, क्लियर है। चले पहले इसको कॉपी करें, बात करते हैं जब तक मैं एक बच्चे को जरा मैसेज करूं। आप किसी को सवाल तो नहीं है ना यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। ऐसे तुम लोग अगर सब मोबाइल से कनेक्ट हो तो तुम लोगों के चैट के ऊपर ही वो थम्स अप का ऑप्शन आएगा, तो अगर कोई सुस्ती आया ना कि सर डन वन लिखने का दिल नहीं करा तो वो थम्स अप कर देना, थम्स अप, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों के चैट पे देख लूंगा तो वो थम्स अप वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी रेज हैंड किसी काम का नहीं है, रेज हैंड आप करेंगे भी नहीं, वरना आपको समझ में भी नहीं पाता है, ठीक है। सुबह ने करना सीख लिया, गुड, सीख लेना भैया वक्त के साथ साथ। अच्छा तुम तो तुम लिख लेना भाई, तुम्हारे सामने तो कीबोर्ड रखा है ना, तुम आराम से काम कर लेना, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात, सही है भाई। जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, जितने भी लड़के बैठे हैं, इस तरीके से काम होगा, कोई भी परेशानी हो आप मुझे बताएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी किसी को ऐसा लगा कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही या मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सही सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी हो सकता है, आपके भी नेट का फॉल्ट हो सकता है, हमारे भी नेट का फॉल्ट हो सकता है, हमने भाई मेहनत करके 60 MB का नेट लगवा लिया है, कोशिश है कि नहीं सही चले, लेकिन नेट है भाई पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान है, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है, घबराना नहीं है, इमरान खान की तरह घबराना नहीं है, लीव करना है, फौरन दूसरी बार ज्वाइन कर लेना, मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा, लीव करना है, फौरन ज्वाइन कर लेना। कुछ भी मसला आया, खांसी वासी आई, कुछ भी मसला आया, मैं अटक गया, मेरी तस्वीर अटक गई, जो लिख रहा था वो अटक गया, फौरन लीव करो और वो क्या कहते हैं दोबारा से ज्वाइन कर लो, घबराने दें, चलो। हाँ भाई चलो,
अब जरा स्पीड बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी ताकि बस काम को हल्के हल्के वाइंड अप करें। उसके बाद अब नए नए चैप्टर शुरू होंगे। अब आएगा चैप्टर नंबर 4 जिसको हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। ये बिल्कुल नया चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ा ही मासूम चैप्टर है। बस आप, मैं बैठा हूं ना बेटा, मैंने अरेंजमेंट कर लिया सारी, परेशान नहीं हूं। सुबह भाई बैठा आपको। हाँ जी, तो क्या बता रहा था, मोशन इन 2 डायमेंशन ऐसा चैप्टर जो आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल 3 जैसा है, आपको समझ में आएगा। बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बड़ा सिंपल से न्यूमेरिकल्स है। और ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है इस हवाले से, क्योंकि इसके अंदर भी आपको मिलते हैं MCQs, आपको मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और आपको लाजमी तौर पर इसमें से एक ना एक लॉन्ग मिलता जरूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी 2 चीजें, नाम बताता हूँ, कहानी बाद में सुनाऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, नंबर 1 इज व्हाट वी कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड नंबर 2 इज व्हाट वी कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप लोग पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में, प्रोजेक्टाइल आपने कभी नहीं पढ़ा, तो वो आप इसमें पढ़ेंगे। बड़ा आसान है, बिल्कुल मोशन एंड फोर्स जैसा है। तो 3 और ये समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, अब मैं एक फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूँ। फाइनल वर्डिक्ट क्या है भाई, देखो सुनो, अल्फाजों को काउंट कर लो, नाप लो, लिख लो, बांध लो पल्लू से। शुरू के 3 चैप्टर 1, 2 और 3 अगर आते हैं, समझ जाना पूरी फिजिक्स आती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी की भी फिजिक्स हो, आप लोग फटाफट मक्खन की तरह से करते जाएंगे। ये 3 चैप्टर, कौन से 3 चैप्टर, ये वाला और ये वाला, आई बात समझ में, कौन से, ये वाला और ये वाला। पेन देख रहे हैं आप, आते जाता है गायब हो जाता है। ये 3 चैप्टर अगर आपको आते हैं तो समझ जाएगा आपको फिजिक्स आती है, आपको किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। तो इन पे हम काम करेंगे। हम पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 4 पे जाएंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे, सब चीजें साथ साथ करेंगे, टेस्ट भी लेते चलेंगे। आपको ध्यानदारी से काम करना है और सब चीजों को समझना है। 4 से क्या आता है, 4 से प्रोजेक्टाइल मोशन आता है महाम, और सर्कुलर मोशन आता है। वो सब मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उससे पहले कराऊंगा। और ये 3 चीजें तो आपको पता ही है कि ये तीनों सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, खुशल मंगल हो जाएगी। और फिर आएगा एक चैप्टर जिसको हम कहते हैं चैप्टर 5, इसका नाम है टॉर्क पड़ाव, इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, एंड एंगुलर मोमेंटम ये नहीं पढ़ा हुआ। कोई मसला नहीं, आप पढ़ाएंगे। बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, और इसमें से वेटेज भी कम है। इसमें से MCQ आएगा, या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। स्लैश का मतलब, ये स्लैश डाले ना, इसका मतलब या तो सेक्शन बी में आएगा या सेक्शन सी में आएगा, दोनों में साथ नहीं आता। उसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, छोटा चैप्टर है। टॉर्क समझाएंगे आपको ज्यादा डिटेल में, इक्विलिब्रियम समझाएंगे आपको ज्यादा डिटेल में, एंगुलर मोमेंटम समझाएंगे आपको शुरू से, नया चीज है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। न्यूमेरिकल इसका थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन उसकी मैंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, याद करा दूंगा। आंखें बंद करके वैल्यूज पुट करोगे, पुट इन द वैल्यूज, गेट द आंसर। ठीक है जी। उसके बाद रेलगाड़ी चलते हुए पहुंचेगी इस चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन एक आसान चैप्टर, ग्रेविटी जैसा चैप्टर है। मैट्रिक में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। इस पे तुम ग्रेविटी सीखोगे, मास ऑफ अर्थ सीखोगे, मास ऑफ मून सीखोगे, सैटेलाइट सीखोगे, ये सब चीजें। अर्थ को छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटी क्यों आती है, क्यों नहीं आती, ये सब चीजें आपको इसमें समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। MCQs इसमें से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी आते हैं। हाँ, या तो शॉर्ट आएंगे, या तो लॉन्ग आएंगे, या कभी कभार दोनों आ जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, दैट हाउ इज गोइंग टू डिसाइड द पेपर। तो बी में भी आएगा, सी में भी आएगा, डिपेंड करता है भाई किस में आएगा। ठीक है, तो ये कहानी है भाई 6 चैप्टर तक की। इसके बाद आएगी कहानी चैप्टर नंबर 7 पे। 7 का नाम लिखूंगा, तुम लोगों की आगे खुल जाएंगी, क्योंकि बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़ा फैमिलियर है, और अपनों की याद आएगी आपको। ये चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर या वर्क पावर एनर्जी, कोई भी लिखो, एक ही बात। बड़ा ही आसान चैप्टर है, छोटा सा, चुन्ना मुन्ना मासूम सा चैप्टर। 6 और 7 बहुत आसान चैप्टर। अगर मैं तुम्हें ड्यूरेशन के हिसाब से बताऊं, 2 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं दोनों चैप्टर। पहले वाले जो टॉपिक थे वो महीना महीना चलते हैं, यानी कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते चलेंगे, ये 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। 2 हफ्ते में कितनी क्लासेस होती हैं, 6 क्लास में काम खत्म।
आसान सा न्यूमेरिकल है, एक जैसे न्यूमेरिकल आते रहते हैं, एक जैसे टॉपिक्स हैं, वर्क पावर एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब चीजें पढ़ाएंगे और काम पूरा हो जाएगा। आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसकी भी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, या तो शॉर्ट मिलेगा, एमसीक्यूज मिलते हैं और इसमें से सेक्शन बी में आता है। सेक्शन सी की इतनी वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन है सेक्शन सी में आपको दिखते हैं, तभी मैंने स्लैश लगा के इसको लिखा है। तो यहां तक तो फटाफट काम होता जाएगा, गाड़ी स्पीड अप होती जाएगी, आपको लगेगा अरे वाह सफर आखिरी काम तक पहुंच रहा है और बस काम खत्म होने वाला है, फर्स्ट ईयर खत्म होने वाली है, तीन चैप्टर ही रह गए। उसके बाद आएगा फर्स्ट ईयर चैप्टर्स का बादशाह, चैप्टर 8, जिसका नाम है SHM, पढ़ चुके हो मैट्रिक में, वेव्स पढ़ चुके हो मैट्रिक में, एंड साउंड पढ़ चुके हो मैट्रिक में। लेकिन मैट्रिक में अगर मैं इसको नंबर के हिसाब से बताऊं, परसेंटेज के हिसाब से, मैट्रिक में आपने पढ़ा था 40%, 60% और पढ़ना है आपको इसमें। 40% तो पढ़ चुके हो मैट्रिक में, 60% और पढ़ना है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है फर्स्ट। अब तो खैर मैथ्स की बुक चेंज हो गई, वरना बड़ा अच्छा सीक्वेंस बनता था। केमिस्ट्री को छोड़ के बायो, मैथ्स और फिजिक्स में 8 नंबर जो होता है ना, 8 नंबर, उस पर जो चैप्टर आता है वो बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ऐसे ये बहुत बड़ा चैप्टर, तो इसमें आते आते आपको ऐसा लगता है कि भाई अब कोर्स खत्म होने वाला है, फिर एक लंबा सा सड़क आ जाती है जिसको आपको पूरा क्रॉस करना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जैसे मुझसे कोई बच्चा आया पूछा था सर हर चैप्टर में से एक MCQ आता है, अब सुनो होता क्या, कभी कभार 5 में से MCQ नहीं देते, इस चैप्टर में से 2 MCQ दे देते हैं, कभी कभार 5 में से न्यूमेरिकल नहीं देते, इस चैप्टर में से 2 न्यूमेरिकल दे देते हैं, शॉर्ट तो एक ही देते, लॉन्ग तो एक ही देते हैं, लेकिन MCQs और न्यूमेरिकल के लिहाज से ये थोड़ा सा शफल डाउन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह, उसको जरा खतरे के निशान से बनाते हैं। MCQ, न्यूमेरिकल, लॉन्ग, तीनों चीजें आपको इस चैप्टर में से मिलेंगी, जिसका नाम है SHM, वेव्स और साउंड। ये तीन हिस्से हैं, SHM, वेव्स और साउंड, तीन हिस्से हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आखिरी की कुछ बातें रह गई हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं। फिर आएगा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। ये चैप्टर भी आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, आप पहली मरतबा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो चैप्टर 10 है वो आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, जिसका नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें वही पढ़ाऊंगा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेकिन उनकी डेरिवेशन आ गई। जहां तक नेचर ऑफ लाइट की बात है जी, नेचर ऑफ लाइट में आप पढ़ेंगे कि लाइट की नेचर कैसी है। लाइट याद है तुम लोगों को मैट्रिक में, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का एक चैप्टर पढ़ा था, स्पेक्ट्रम वगैरह का, उसमें हम प्रूफ करते थे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वेव थ्योरी, है वही, उसी के ऊपर चैप्टर है। तो ये बिल्कुल नया चैप्टर है, और इन दोनों चैप्टर्स की अंदर इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बड़े चैप्टर नहीं है लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, और इनमें से लाजमी तौर पे हर सेक्शन में से कुछ ना कुछ मवाद मौजूद होता है। तो बेटा ये है पूरी 10 चैप्टर से बनी हुई आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जो आपको पूरे साल पढ़नी है, जिसपे पूरे साल बात करनी है, और इस तरीके से काम होता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फिजिक्स के टॉपिक थे भाई जो हमें इंशाल्लाह पढ़ने हैं। सीक्वेंस मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से सीक्वेंस पढ़ा जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से 1 से, फिर जाएंगे 3 पे, फिर जाएंगे 2 पे, फिर जाएंगे 4 पे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और वापसी में यू टर्न मारेंगे 5 पे, और उसके बाद आ जाएंगे इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्जाम, COVID-19 खत्म हो चुका होगा। यहाँ तक जब पहुंचोगे तो आ जाएंगे तुम्हारे मिड टर्म्स, मिड्स, और जब पूरा कवर कर लोगे भैया तो आ जाएंगे तुम्हारे प्रीलियम। इसमें से बीच बीच में से मैं थोड़ी सी शैतानी करता रहूंगा, हर चैप्टर के बीच में कोई टेस्ट आता रहेगा, हर चैप्टर के बाद कोई टेस्ट आता रहेगा। एक मिजाज आप लोगों का मैं सेट करा दूंगा, खुल भी जाए कोचिंग फिर भी आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देने की मैं सिंपल सी आदत डलवा दूंगा। एक ग्रुप बना लेंगे, अभी हम थोड़े वक्त के साथ साथ तुम लोगों को बताऊंगा, गूगल क्लासरूम का हम एक ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह, गूगल क्लासरूम के ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, असाइनमेंट भी वहाँ पे जाएगा, जब तक खुल नहीं रहा तो आप असाइनमेंट वहाँ पे जमा कराएंगे, और असाइनमेंट मैं भी आपको वहाँ पे दूंगा, वहाँ पे कलेक्ट करके मुझे दे देंगे। वो कैसे होगा मैं सब सिखा दूंगा, कोई परेशान नहीं होना, इतना सा कर लेना कि आपको कंप्यूटर खोलना आना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर खोलना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, तो वो सारे काम करा देंगे, बताऊंगा ना उसको बस आप किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना, ठीक है जी। तो MCQs के टेस्ट, बादशाह का वजीर कौन है, बादशाह का वजीर मैं, ठीक है, बादशाह का वजीर जो है वो चैप्टर 9 और 10 है।
ये वाली कहानी जो है हमें यहाँ पे करनी होगी। दूसरी चीज ये, इस तरह का सीक्वेंस होगा, इस तरीके से टेस्ट होते रहेंगे और इसी जैसी कहानी जो है वो एज इट इज चलती रहेगी और इन पर बात करती रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये थी बच्चों पूरी कहानी और इंशाल्लाह आज तो कुछ नहीं पढ़ा, आज तो बस ओवरव्यू था। कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वन। हमेशा मैं मैट्रिक में भी कहता था, अभी भी कहता हूँ भाई, एक बड़ा सा मोटा सा रजिस्टर। हाँ मुस्तफा, मैं इससे अभी आ रहा हूँ, जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं मैं उसको बंद करूंगा, 5 बजे दोबारा से इसी कोड पे लॉग इन कर लीजिएगा, 5:55 दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, वो कंप्यूटर वाले बच्चे की नहीं होगी, और जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो अपनी दूसरा लिंक जो ग्रुप में होगा उस पर करेंगे। हाँ जी, वो टाइम बताया होगा ना आपको, नहीं 5 बजे नहीं, सॉरी 3:15 से 4 और 4 से 4 से 4 बजे होगी क्लास कंप्यूटर वाली। ठीक है मुस्तफा, 4 बजे जैसा अभी 4 बजे स्टार्ट हुई है, 5 बजे रहे, 4 बजे स्टार्ट हुई कंप्यूटर की क्लास। हाँ भाई, मैं क्या बता रहा था, सही है भाई, ये वाली बात हो गई। तो बस ये वाला काम हमें करना है इंशाल्लाह, और ये सब इस तरह से पूरा होता जाएगा। कल इंशाल्लाह चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। एक रजिस्टर ले लीजिए, मेरे ख्याल से एक बड़ा सा मोटा सा रजिस्टर आप ले लें, ज्यादा मोटा भी मत लीजिएगा, नॉर्मल साइज का, थोड़ा सा बड़ा साइज, तो उसके अंदर पेजेस हों, तकरीबन 300-400 पेजेस हों उसके अंदर, तो एक पूरा एक कॉम्प्रीहेंसिव, नहीं सिर्फ फिजिक्स की नहीं, कॉम्प्रीहेंसिव एक जर्नल आपका तैयार हो जाएगा, ताकि आपको बार बार ना दो जर्नल्स पे काम नहीं करना पड़ेगा। नोट्स आपको, नोट्स आ चुके हैं, नोट्स आप ले भी सकते हैं जो आपको लेने होंगे, क्योंकि हम पास वाले क्वेश्चंस में भी करेंगे, हमने पूरा अरेंज करके दिया हुआ है। कॉपी में सारे नोट्स लिखवाऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें जो बोलूंगा भाई नोट से पढ़ो, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, बाकी सब कॉपी में एग्जैक्टली जो है लिखवा लूंगा। 400 पेजेस के लिए अच्छी बात है, बेहतरीन बात है अब्दुल्ला, ठीक बात है। जब तुम क्लास में आओगे तो बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो उस तरीके से काम होगा। बाकी फिजिक्स की बुक ले लीजिए भाई, कैलकुलेटर आपके पास होंगे मौजूद, फिजिक्स की जो बुक है वो ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही चैप्टर होता जाएगा मैं साथ साथ सबके हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कराता रहता हूँ, और इससे फिर हम बात करेंगे, इससे काम करेंगे और फिर उस काम को शुरू किया जाएगा। ठीक है जी, चले जी, बस मेरी जो कहानी थी यहाँ पे खत्म हुई। कोई किसी का सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, वरना ये बात हम लोगों ने यहाँ पे आके खत्म कर दी और आज का जो काम था वो हमारा खत्म हुआ। हाँ जी, मुस्तफ़ा, उवैस, नबीहा, माहम, मासूमा, हुज़ैफ़ा, हुदा, आयशा, अब्दुल्ला और सुभान साहब, कोई मसला, समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है भाई, चैट करना आता है सबको, सब एक मरतबा जो है ओके ओके रिप्लाई कर दो। कोई परेशानी है किसी को तो मुझे बताओ। अब ये ना थोड़ी सी आदत आपको डालनी पड़ेगी, आदत आपको डालनी पड़ेगी बेटा, कि आपको चैट पर रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप लोग हर वक्त बातें करते रहते थे ना, बातें करने की आदत थी, अब आपको चैट करने की आदत आनी पड़ेगी। जो मसला हो फौरन चैट पर लिख दीजिएगा, मैं फौरन रिप्लाई कर दूंगा या थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। बाकी केमिस्ट्री वाले बच्चों का अपना लिंक आएगा और जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं वो सेम लिंक से जो है ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।